हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10 सोशल साइंस पे। ये वर्कशीट फेडरलिज्म पे है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्कशीट साथ में करेंगे, तो पहले थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि फेडरलिज्म या संघवाद क्या है, और उसके बाद हम सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। सो फेडरलिज्म सत्ता के बंटवारे का ही रूप है, एक संघीय व्यवस्था है। तो वो उस तरह की गवर्नमेंट है जिसमें पावर, जो शक्ति है, जो सत्ता है, एक कंट्री में जो सत्ता है, गवर्नेंस है, वो डिवाइड की जाती है। अब उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, उसे एक सेंट्रल अथॉरिटी लेवल पे डिवाइड किया जाता है कि आपको एक सेंट्रल लेवल पर, मेन लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी होगी, और एक कंट्री के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, कंट्री के ही छोटे छोटे पार्ट्स के लेवल पे भी पावर होगी। उस तरह से उसको दो लेवल्स पे डिवाइड किया जाता है। तो यूजुअली ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है, ये दो लेवल्स पे होता है, दो स्तरों पर होता है, लेकिन ये दो से ज्यादा स्तरों पर भी हो सकता है। अब ये दो स्तर कैसे होते हैं, ये ऊपर से नीचे के स्तर पे आप कह सकते हैं इनको। तो इसमें मुख्यतः पहला स्तर होगा केंद्रीय स्तर, सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल हो जाएगा जैसे नेशनल लेवल, और वहीं सेकेंड लेवल होगा स्टेट लेवल, प्रादेशिक सरकार, स्टेट लेवल। तो यहाँ पर कार्यों का इस तरह से बंटवारा कर दिया जाता है। तो और इसमें खास बात ये है कि दोनों ही गवर्नमेंट्स जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार, दोनों ही गवर्नमेंट्स अपनी जो पावर है, उनकी जो शक्तियां हैं, उन्हें वे इंडिपेंडेंटली इंजॉय करती है। मतलब कि उनकी पावर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बिना सेंटर के अप्रूवल के कोई काम कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो स्टेट इंडिपेंडेंटली भी अपने रूल्स सेट कर सकता है और उन्हें फॉलो कर सकता है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रूल्स इंडिपेंडेंटली स्टेट से बिना पूछे सेट कर सकती है। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। ये जो फेडरेशन है, ये आपसी समझौते से चलती है। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी नहीं है। कुछ दायरे बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनके तहत ये मिलकर आपसी समझौते से इंडिपेंडेंटली और मिलकर भी काम करते हैं। तो वो किस तरह से है, वो हम आगे क्वेश्चन आंसर्स में हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सो फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहला, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो ये पहले ही हमने बात कर ली है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार बनाई जाती है। तो फेडरल गवर्नमेंट में एक सरकार नहीं होगी, कोई एक अथॉरिटी नहीं होगी, बल्कि कई लेवल्स पर, दो या दो से ज्यादा लेवल्स पर, स्तरों पर अथॉरिटी होगी। सरकार दो या दो से ज्यादा लेवल्स पर बनेगी। दूसरा इसमें है, इसका फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने अभी अभी आपसे आपको बताया था कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके जो मन में आ रहा है वो करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो मन में आए वो करे, या यूनियन गवर्नमेंट के जो मन में आए करे, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा, संविधान डिफाइन करेगा कि हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर सरकार की क्या क्या शक्तियां होंगी। केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट, प्रादेशिक सरकार की क्या क्या शक्तियां होंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। देन थर्ड फीचर इज डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन फॉर गवर्निंग ओवर द सेम सिटीजन्स। तो सेम सिटीजन्स होंगे, लेकिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से गवर्नेंस की जा सकती है। तो एक ही ग्रुप के ऊपर दो लेवल्स पर अधिकार क्षेत्र उनके ऊपर किया जा सकता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल, आप कर्नाटका क्षेत्र में आते हैं, तो आप इंडिया के यूनियन गवर्नमेंट के अंडर भी आएंगे और आप कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अंडर भी आएंगे।
ऐसा नहीं है कि आप अगर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं तो सिर्फ उसी स्टेट की गवर्नेंस आपको आपके ऊपर रूल करेगी, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर पावर रखेगी। इंडिया की भी, इंडियन रूल जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका भी रूल आपके ऊपर होगा। तो ये हर डिफरेंट लेवल्स पर सेम सिटीजन्स के ऊपर गवर्नेंस की जाती है। इसका चौथा फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है हो, वो जुडिशरी को या न्यायपालिका को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो न्यायपालिका जो है, जो जुडिशरी है, वो इनसे अलग है, वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, वो अपने रूल्स खुद बनाएगी और वो ही इनके रूल्स को फिर चेक भी करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी डन यूनिलेटरली। तो हमने कहा कि संविधान में पहले से ही सेट है कि इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की ये शक्तियां होंगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये शक्तियां होंगी। अब अगर हमें संविधान में कोई चेंज लाना है, कोई संशोधन लाना है, कोई अमेंडमेंट लाना है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने भी चाहो और वो अचानक से उसमें संशोधन हो गया, ऐसा नहीं है। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट को कोई चेंज लाना है, वो खुद से चेंज नहीं ला सकती है। कोई भी अगर संविधान में संशोधन लाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाएगा, तो वो आपसी सहमति से ही लाया जाएगा। तो दोनों गवर्नमेंट, स्टेट लेवल और यूनियन गवर्नमेंट, साथ बैठ के मिलके बात करेंगे और उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाएगा। और इसका लास्ट फीचर है सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो देश की एकता और क्षेत्रीय विभिन्नता में सामंजस्य बिठाए रहना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कि ये इसलिए किया जाता है ताकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट भी किया जा सके और उसको संभाल कर भी रखा जा सके, ताकि एक ही तरह की गवर्नमेंट हर किसी पर अप्लाई ना हो, सबकी जो एक अलग विविधता है, सबकी एक डाइवर्सिटी है, उसको भी मेंटेन रखा जाए। तो ये तो वर्कशीट का कंटेंट है। इसके बाद वर्कशीट में आपके चार क्वेश्चंस हैं, तो हम वो क्वेश्चंस भी पढ़ देते हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम आपको उनके उत्तर भी दिखा देंगे, उनके आंसर्स भी दिखा देंगे। ये आंसर सैम्पल आंसर्स हैं और ये आंसर्स आपकी ही एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, क्योंकि ये इस वर्कशीट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो आप वहाँ एनसीईआरटी बुक में भी पढ़िए, आप उसे समझिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, और इन सैम्पल आंसर्स को देखते हुए और उन्हें समझते हुए आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। तो हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को पढ़ देते हैं और उसके बाद हम आपको आंसर्स डिस्प्ले कर देंगे। इस वर्कशीट के बाद, इस इन आंसर्स को डिस्प्ले करने के बाद, हम फॉलो अप करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट से भी। तो क्वेश्चन वन है, हाउ इज फेडरलिज्म अ फॉर्म ऑफ द डिविजन ऑफ पावर। संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का ही एक रूप है। डू वी हैव फेडरल गवर्नमेंट इन आर कंट्री। क्या हमारी कंट्री में, क्या हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, ये कैसे है, ये हमें समझाना है। थर्ड, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स, वाई। संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर होता है, पर यह क्यों होता है। हाउ डज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेल्प पीपल लिव अ क्वालिटी लाइफ। व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर होती है, ये उदाहरण दीजिए कि ऐसे कैसे होता है कि फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प से लोगों की लाइफ बेटर लाइफ हो जाती है, खुशहाल लाइफ हो जाती है, इसका एग्जाम्पल देना है। तो आइए अब इनके आंसर्स भी हम देख लेते हैं। अब सोशल साइंस की वर्कशीट के बाद आइए इंग्लिश की वर्कशीट पे चलते हैं। अगेन, आज हम वर्कशीट नंबर 10 कर रहे हैं इंग्लिश की। ये वर्कशीट एक अनसीन पैसेज पर बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग राइट अप अबाउट रेजिलियंस। फिल अप द ब्लैंक्स और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो एक अनसीन पैसेज है रेजिलियंस के ऊपर। ये पैसेज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से एक आर्टिकल है, उसका एक्सर्प्ट है। तो
तो एक बार ये पैसेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी लिख लेते हैं। रेजिलियंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। सो रेजिलियंस एक एक इंसान की वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है जिससे वो उसकी जिंदगी में जो प्रेशर्स होते हैं और डिमांड्स होती हैं, जिंदगी की जो डिफिकल्टीज होती हैं, उन्हें वो सक्सेसफुली स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी जो रख पाता है, उस एबिलिटी को रेजिलियंस कहते हैं। डिक्शनरी डेफिनेशंस इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड बॉयंसी। तो अगर डिक्शनरी में रेजिलियंस की डेफिनेशन देखी जाए तो वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, तो कितने आप फ्लेक्सिबल हैं एक सिचुएशन में। कोई भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टी आती है तो उसे आप रिजिडली, बहुत रिजिड होकर रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करने के लिए और फ्लेक्सिबल रहते हैं। और ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी, आप कितनी जल्दी उस सिचुएशन से उभर के आते हैं। अगर कोई भी सेटबैक आपकी लाइफ में आपको लगा है, कोई भी इशू आया है आपकी लाइफ में, तो कितनी स्ट्रेंथ के साथ, कितनी ड्यूरेबिलिटी के साथ आप उसको फेस करते हैं और कितनी जल्दी उससे उभर कर उससे रिकवर होते हैं। एंड बॉयंसी, सिमिलरली ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बॉयंसी की, जितना आपको नीचे डुबाया जाए कितनी जल्दी आप ऊपर उठकर आते हैं। तो उसी को ही डिक्शनरी की डेफिनेशंस में रेजिलियंस कहा जाता है। लाइक बिल्डिंग अ मसल, इंक्रीजिंग योर रेजिलियंस टेक्स टाइम एंड इंटेंशनैलिटी। तो जैसे आप, अगर आपने एक्सरसाइज की है या कभी आपने किसी को जिम जाते हुए देखा है, तो एक दिन में मसल्स नहीं बन जाती हैं, एक दिन में आपकी बॉडी एकदम फिट नहीं आती बन जाती है। उसी तरह से ही अगर आपको अपना रेजिलियंस बढ़ाना है तो उसमें भी समय लगता है, उसमें भी टाइम लगता है और उसमें इंटेंशनैलिटी भी लगती है। आपको आप में वो इंटेंशन होनी चाहिए, आप में वो इच्छा होनी चाहिए अपनी रेजिलियंस बढ़ाने की। फोकसिंग ऑन फोर कोर कॉम्पोनेंट्स, ये फोर कोर कॉम्पोनेंट्स है, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है, कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग कैन एम्पावर यू टू विदस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम डिफिकल्ट एंड ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस। तो अब रेजिलियंस आप बढ़ा कैसे सकते हैं? आप एक, ये चार कॉम्पोनेंट्स, कोर कॉम्पोनेंट्स आपको बताए गए हैं, कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग। ये चार कोर कॉम्पोनेंट्स अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो इससे आप स्ट्रांग बनते हैं और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से भी आप उभर कर आ सकते हैं। टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर रेजिलियंस वी मे यूज दीज स्ट्रैटेजीज। आप कैसे अपनी रेजिलियंस की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। तो सबसे पहला जो कोर कंपोनेंट है कनेक्शन, आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है, यू मे बिल्ड योर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स बाय सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। आप अपनी फैमिली को और आप जो आपका फेथ है, आप किस में विश्वास रखते हैं, आप रिलीजन में विश्वास रखते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, और आप सोसाइटी का साथ देकर, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का साथ देकर, इस तरह से अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उससे आपके कनेक्शंस बेटर होंगे, आप कनेक्शंस, नए कनेक्शंस बिल्ड कर पाएंगे। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी, ये एक और स्ट्रैटेजी है रेजिलियंस बढ़ाने की। जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी एबिलिटीज हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप उसमें अपना विश्वास बढ़ाइए, उससे भी रेजिलियंस बढ़ेगी। सेल्फ एस्टीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डीलिंग विद एंड रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो आपका अपने बारे में क्या विचार है, आप अपने आपको कितना अच्छा मानते हैं, सेल्फ एस्टीम, आप खुद के बारे में, आपको खुद, आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस से रिकवर होने के लिए। तो अगर आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, अगर आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को बहुत वैल्यू करते हैं, तो उससे भी आप स्ट्रेस से रिकवर हो सकते हैं। तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे फोकस कीजिए, उसे बढ़ाइए, तो रेजिलियंस भी बढ़ेगी। अनदर स्टेप इज टू फॉस्टर वेलनेस। तो देखिए, ये सेकेंड कोर कॉम्पोनेंट की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर सेकेंड कोर कॉम्पोनेंट वेलनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजी है इज टू फॉस्टर वेलनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। तो अगर आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखेंगे तो आपकी वेलनेस बढ़ेगी।
दिस मे बी डन बाय रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस और राइटिंग डायरीज और जर्नल्स। तो अगर आप रेगुलरली योगा करते हैं या माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप डायरी में लिखते हैं या अपनी जर्नल मेंटेन करते हैं, उससे भी आप अपनी बॉडी का और मेंटल वेलबींग का ध्यान रख सकते हैं। वन मे ऑल्सो फाइंड पर्पज एंड हेल्प अदर्स इन टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, लाइक वॉलंटियरिंग विद अ लोकल होमलेस शेल्टर और सिंपली सपोर्ट अ फ्रेंड इन देयर ओन टाइम ऑफ नीड। तो आप इसके साथ साथ आप हेल्दी थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं? हेल्दी थिंकिंग मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो आप अपने आसपास देखिए, आप अपने आसपास लोगों को देखिए, उन लोगों पे ध्यान दीजिए जो बहुत ही डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, और वॉलंटियर कीजिए उनकी मदद करने के लिए। तो वो जो वॉलंटियरशिप है वो ऐसे भी हो सकती है कि आपका कोई दोस्त है जो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, या वो इतने बड़े लेवल पे भी हो सकती है कि कोई शेल्टर है जहाँ पे होमलेस पीपल को रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, आप वहां पे भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं आपकी मदद करने के, लेकिन अगर आप बाहर अपनी दुनिया से थोड़ा सा बाहर झांक कर देखें और उन लोगों पर ध्यान दें जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो भी आप हेल्दी थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग आप में डेवलप होगी, जिससे इन दी एंड रेजिलियंस डेवलप होगा। वन मे ऑल्सो फाइंड अ रियलिस्टिक गोल एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हेल्प्स वन मेंटेन अ होपफुल आउटलुक। तो यहाँ चौथा कोर कॉम्पोनेंट था मीनिंग। तो आपकी जिंदगी का मतलब क्या है, आपकी जिंदगी का अर्थ क्या है, वो आप अगर अपनी जिंदगी का एक रियलिस्टिक गोल ढूंढ पाते हैं। वन मे ऑल्सो फाइंड अ रियलिस्टिक गोल। तो अगर आप जिंदगी का पर्पस अगर ढूंढ पाते हैं और अपने लिए सेल्फ डिस्कवरी के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हैं, खुद को ढूंढने की, अपने जिंदगी का मतलब ढूंढने के लिए अपॉर्चुनिटीज अगर डिस्कवर कर पाते हैं, तो उससे भी आप अपनी रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। और आप साथ ही साथ अगर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि जिंदगी में बदलाव तो एक कांस्टेंट चीज है, सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, अगर आप ये मान ले कि बदलाव तो आएगा ही आएगा, तो उससे भी आपकी जिंदगी में एक होपफुल आउटलुक आ जाता है। तो आप जिंदगी की तरफ एक बहुत होपफुल तरीके से, एक बहुत पॉजिटिवली आप देखने लगते हैं, और उससे भी रेजिलियंस बढ़ता है। फाइनली, सीक हेल्प व्हेन यू नीड इट इज क्रूशियल इन बिल्डिंग योर रेजिलियंस। तो लास्ट स्ट्रैटेजी ये बताते हैं कि जब फाइनली आपको लगे कि आप ऐसी सिचुएशन है कि आप अकेले अपने लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ही डिफिकल्टी में हैं, तो झिझकिए नहीं और किसी और से मदद मांगिए। सीक हेल्प व्हेन यू नीड इट। अगर आप सीकिंग हेल्प की स्ट्रैटेजी भी अपना लें, उससे भी आपकी रेजिलियंस बढ़ेगी। तो ये था हमारा पैसेज, बहुत सिंपल पैसेज है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत डायरेक्ट है। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिलियंस? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिलियंस? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पैसेज में अगर वापस जाएंगे तो इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम वापस से पैसेज पे आ गए हैं। तो इसकी पहली लाइन ही आपको बता देती है व्हाट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। यही इसका आंसर वन है। अब क्वेश्चन टू पे चलते हैं। क्वेश्चन टू है, डैश एंड डैश आर टू कॉन्सेप्ट्स यूज टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस। तो हमने ये बात की थी कि डिक्शनरी में रेजिलियंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं, तो आइए उन वर्ड्स को भी देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड बॉयंसी। कोई भी दो इनमें से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डिक्शनरी डेफिनेशंस इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड बॉयंसी। इन पांच में से आप कोई भी दो इस आंसर में लिख सकते हैं, आंसर टू में लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन थ्री की तरफ। फोकसिंग ऑन दीज फोर कॉम्पोनेंट्स कैन हेल्प बिल्ड रेजिलियंस। तो कौन से चार कॉम्पोनेंट्स हैं जिनसे आप रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं? इजी क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट है।
अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए कि कौन से चार कंपोनेंट्स थे। तो वो चार कंपोनेंट्स हैं कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग। बस यही चार कंपोनेंट्स आपको आंसर थ्री में लिखने हैं। अब क्वेश्चन फोर की तरफ चलते हैं। हाउ कैन वी बिल्ड आर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज आर रिलेशनशिप्स। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, ये यहाँ पे इस लाइन में ये आंसर दिया हुआ है। यू मे बिल्ड योर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स बाय सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये आपका आंसर फोर हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन फाइव की तरफ। फाइंड टू स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी यूज टू बिल्ड रेजिलियंस एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो अगेन यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इन्होंने सजेस्ट की थी। अगर आप वीडियो पीछे जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। तो इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रैटेजी है फॉस्टर वेलनेस बाय टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, आप ऐसे ये लिख सकते हैं। दिस मे बी डन बाय रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस और राइटिंग डायरीज एंड जर्नल्स। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हेल्प्स वन मेंटेन अ होपफुल आउटलुक। ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ से यू मे बिल्ड योर कनेक्शंस, यहाँ से लेके एंड तक ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज इन्होंने दी है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि सीक हेल्प व्हेन यू नीड इट, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। तो इनमें से कोई भी आप स्ट्रैटेजी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सिक्स, हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हाट डिड यू डू टू हेल्प योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन एक पर्सनल क्वेश्चन है, इसलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसी क्या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है जो आपने कभी फेस की हो, आप उसके बारे में सोचिए कि क्या ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम है, आपने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की उस एग्जाम के लिए, लेकिन आप जब फाइनली जब पेपर हुआ और जब आपने एग्जाम दिया तो देन यू रियलाइज कि आप उस वक्त कुछ भूल गए, आपको आंसर याद नहीं आ रहे थे, और फाइनली जब आपके मार्क्स आए तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपको ऑफकोर्स बहुत बुरा लग रहा था, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था। तो उसके बाद आपने क्या किया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू डू टू हेल्प योरसेल्फ। तो आपको बस ये सोचना है कि ऐसी कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आई और फिर आपने उस सिचुएशन में खुद को हेल्प करने के लिए क्या किया, आपको बस यही लिखना है। तो एक सिचुएशन का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, जैसे एग्जाम की कोई सिचुएशन है, या कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना था और उसकी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी अगले दिन, और एक रात पहले आप बीमार पड़ गए, या एक रात पहले आपकी उस प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन थी, आपने जिस पर काम किया था, आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे और आपका लैपटॉप क्रैश हो गया और जिसकी वजह से आपकी पूरी प्रेजेंटेशन क्रैश हो गई, तो आपने कैसे खुद की मदद की? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो उस वक्त आपने क्या किया, क्या आपने किसी अडल्ट की हेल्प ली, किसी अडल्ट से पूछा आपने, या उनसे अपने इश्यूज शेयर किए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपने फीलिंग शेयर की, या लास्ट मिनट आपने अपने फ्रेंड को फोन किया और कहा कि मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया है तो क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप पे काम कर सकता हूँ, या ऑनलाइन उनसे, अगर आप उनके घर नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन उनसे बात करके या फोन पे बात करके आपने उनके साथ बैठ के लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बनाई। तो ऐसा क्या किया आपने? आपने आपने यहाँ आपने हार मान ली और आपने आप अगले दिन प्रेजेंटेशन में गए ही नहीं, तो ऐसा क्या किया? तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर ये आपको वर्कशीट के आंसर्स और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।